मामले की अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं कि एसआईटी टीम द्वारा जो जांच आई है उसमें लापरवाही बताई जा रही है। इस पर योगी सरकार ने बड़ा प्रहार करते हुए सीईओ, एसपी, इंस्पेक्टर सहित कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब देखना यह है कि आगे जाकर और कितने पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया जाता है। जी हाँ, मैं आपको बताते चलूं, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है हाथरस मामले की। आपको बताते चलूं कि देश भर में जो हाथरस मामले को लेकर जो जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार और बीजेपी पर कहीं गहरा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि योगी सरकार किस तरह से हमें इस मामले पर न्याय दिलाती है, इन दरिंदों को, इन लोगों को किस प्रकार सजा मिलती है, क्योंकि मासूम बच्ची जो मनीषा है उसके साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है और इनके दरिंदों को जिस प्रकार से सजा मिलेगी उसे पूरा देश याद करेगा। अब हमारे साथ और देश ये पूछता है कि इन लोगों को सजा कैसे और किस प्रकार मिलेगी।